हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी की समरी देखेंगे। इस कहानी में हमारे जो नरेटर है वो एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम हरी सिंह है और वो एक चोर है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है अनिल, जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 25 ईयर्स की है। अनिल एक रेस्टिंग मैच देख रहा होता है टीवी पर, तभी हरी सिंह उसके पास आता है। वो उसके पास जब जाता है तो उसे लगता है कि उसने बहुत देर से किसी के यहाँ चोरी नहीं की है और उसे लगता है कि अनिल जैसे सिंपल आदमी के यहाँ चोरी करना बहुत आसान रहेगा। दोनों हरी सिंह और अनिल आपस में बातें करने लग जाते हैं और जब अनिल हरी से उसका नाम पूछता है तो वो एक नया नाम हरी सिंह उसे बता देता है। हरी को आदत है अपना नाम बदलने की, क्योंकि उसे हर वक्त पुलिस से बच के रहना पड़ता है, इसलिए वो अपना नाम बदलता रहता है। फिर वो बातें करने लग जाते हैं रेसलर्स के बारे में और जैसे ही अनिल वहाँ से जा रहा होता है, हरी उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए कोई काम कर सकता है। अनिल कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम मेरे यहाँ आकर रह सकते हो। हरी झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है और अनिल उसे अपने कमरे में ले जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। हरी जब खाना बनाता है तो बहुत ही बेकार होता है और अनिल नहीं खाता और वो हरी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हरी उसे स्माइल करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अनिल हंसने लग जाता है। वो उसे खाना बनाना सिखाता है, उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है। हरी इन सब चीज़ों के लिए उसका बहुत थैंकफुल होता है और फिर वो सोचता है कि जब उसे पढ़ना लिखना आ जाएगा फिर तो वो लोगों से बहुत सारे पैसे लूट पाएगा। नरेटर को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। वो सुबह उसके लिए चाय बनाता था और फिर घर का सामान देने के लिए जाता था और हर रोज़ वो 1 या 2 रुपए की चोरी कर लेता था। अनिल को पता था लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता था। अनिल पैसे कमाता था इरेगुलर वर्क से, तो कभी कभी उसको कुछ पैसे मिलते थे और उसे आदत थी फजूल खर्ची की। वो सारे पैसे अपने दोस्तों पर पार्टी में उड़ा देता था। एक दिन अनिल बहुत सारे पैसे लेकर आया और उसने हरी को बताया कि उसकी एक किताब एक पब्लिशर ने खरीद ली है और रात को वो पैसे अपने गद्दे के नीचे रखकर सो जाता है। हरी को लगता है कि वो इतने देर से अनिल के यहाँ काम कर रहा है और इतनी देर से उसने कोई चोरी भी नहीं की है, सिर्फ हर रोज़ 1-2 रुपए की चोरी करता है वो। हरी के पास बहुत सारे चांसेस थे अनिल के यहाँ चोरी करने की, क्योंकि उसके पास एक कमरे की चाबी भी थी और अनिल उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और उसने इतना ट्रस्टिंग पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इसी ट्रस्ट की वजह से ही हरी अनिल के यहाँ चोरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि अनिल इतना केयरलेस है कि उसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि अगर उसके यहाँ पर चोरी हो गई और इसमें उसके यहाँ चोरी करने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। फिर उसने सोचा कि अनिल के यहाँ चोरी कर ही लेता हूँ और उसने उसकी जस्टिफिकेशन ये सोची कि अगर वो चोरी नहीं भी करेगा तो भी अनिल ये पैसों को वैसे भी उड़ा ही देगा और उसे तो कुछ पैसे वो सैलरी में देता भी नहीं है। हरी रात को उठा, क्रॉल करके अनिल के बेड की तरफ गया, पैसे चुराए और लखनऊ एक्सप्रेस जो कि 10:30 बजे वहाँ से चलती थी उसमें बैठकर जाने का उसका प्लान था। जब वो स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन धीरे धीरे चलने लग गई थी और वो ट्रेन पर चढ़ सकता था लेकिन वो रुक गया। पता नहीं ऐसा दिमाग में क्या ख्याल आया, स्टेशन पहुँच के उसने पैसे गिने जो कि 600 रुपये थे और सारे 50-50 रुपये के नोट थे। और फिर उसने सोचा कि इतने पैसों के साथ वो 2-3 हफ्तों के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली गई। हरी सिंह प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया क्योंकि उसके मन में शांति नहीं थी। उसे ये गिल्टी फील हो रहा था कि वो अनिल जैसे अच्छे आदमी के यहाँ चोरी कर रहा है और फिर उसे लग रहा था कि ये इतना अच्छा व्यक्ति है, एक ही ऐसा अच्छा व्यक्ति उसे अपनी ज़िंदगी में मिला है और वो उसके यहाँ भी चोरी कर रहा है। फिर वो जाकर एक पार्क में बेंच पर बैठ गया। बारिश होने लग गई और क्लब टावर के नीचे वो बैठा हुआ था, वो पूरा गीला हो गया और उसे ये लगा कि अनिल इतना अच्छा है, उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा है और अनिल की मदद से तो वो अच्छे से पढ़ लिख सकता है और फिर उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा पाएगा। ऐसा सोचने पर उसे लगा कि उसे अनिल के ये पैसे वापस लौटा देने चाहिए और अनिल का ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए, अनिल का साथ नहीं खोना चाहिए। वो वापस कमरे में गया, उसने पैसे वापस गद्दे के नीचे रख दिए। अगली सुबह वो थोड़ी सी लेट उठा और अनिल ने चाय बना दी थी। अनिल ने उन्हीं पैसों में से उसे 50 रुपये दिए और सामान लाने के लिए कहा और कहा कि मैं तुम्हें अब रेगुलर तनख्वाह भी दिया करूँगा। हरी ने जब नोट पकड़ा तो उसे लगा कि नोट तो गीला है, यानी कि अनिल को आइडिया लग गया होगा कि हरी ने पैसे चुराए थे। इसी वजह से हरी सिंह के अंदर बहुत ही गिल्टी फीलिंग भी आ गई, लेकिन वो स्माइल करने लग गया क्योंकि अनिल ने उसे इस चीज़ के लिए भी माफ़ कर दिया था और उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि इस दिन उसने गलत काम करने से अपने आप को बचा लिया था।
तो ये थी समरी द थीफ स्टोरी की। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज एंड लेसन नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।